प्रकाश मिश्र, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। राजेश जी, मैं ओम प्रकाश मिश्र बोल रहा हूँ न्यूज फर्स्ट चैनल इंडिया से। ओम प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। राजेश जी, हम कुछ बातें करेंगे आपके द राजस्थान फाउंडेशन, जिसके आप निदेशक हैं, उसके बारे में। यस सर, जरूर। राजेश जी, पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि द राजस्थानी फाउंडेशन जो है, उसका मिशन के बारे में मुझे बताइए और दर्शकों को जरा सा उसके बारे में जानकारी दीजिए आप। सर, द राजस्थानी फाउंडेशन इज ए कम्युनिटी बेस्ड चैरिटी इन यूके जी। इट स्टार्टेड फ्रॉम 2005। जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो जिसकी चैरिटी बेस्ड है, दैट इज द प्रमोशन ऑफ द कम्युनिटी, प्रमोशन ऑफ द राजस्थानी कल्चर एंड द चैरिटी इन राजस्थान जी। वर्किंग फ्रॉम 5, एंड जो हमारा बिगेस्ट बेनिफिशियरी है चैरिटी में जी, जो हमें अंदर जो की विकास केंद्र जी। सो दिस इज अ चैरिटी इन बेस्ड इन जोधपुर, विच स्पेशलाइज एजुकेशन टू चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट विद इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी इन जोधपुर जी। राजेश जी, जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि TRF का जो मिशन है कल्चर कम्युनिटी चैरिटी, तो विशेषकर चैरिटी के ऊपर आपकी संस्था TRF क्या कर रही है इस समय? सर, चैरिटी के ऊपर हमने अजीत जी को अपडेट की रिसेंटली क्या किया है। एवरी ईयर वी सपोर्टिंग दिस मनोविकास जो केंद्र है जोधपुर में। जब हमने स्टार्ट किया था तब आई थिंक 15 से 20 बच्चे थे उस टाइम पे, एंड नाउ दे गॉट मोर देन 100 स्टूडेंट देयर, एंड ऑल दीज किड्स आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम और चैरिटी फ्रॉम हियर। जो भी हम यहाँ डोनेशन इकट्ठा करते हैं जी, हम उस संस्था को बेचते हैं जी। उसके अलावा लास्ट ईयर विद कंजक्शन विद जागृति, एक चैरिटी है जो जयपुर में जी, उनको हेल्प की टू बिल्ड ए स्कूल। वी डोनेटेड अराउंड 25 कलेक्टेड फ्रॉम हियर, और जो संतोष नगर स्लम एरिया है जोधपुर में, वहाँ हमने स्कूल बनाया जी, फर्स्ट को सेटअप किया है। नाउ आई थिंक There were more than 100 kids there. विशेषकर आप राजस्थान में, जैसे कि आपने बताया कि नवजोत मनोविकास केंद्र जोधपुर में और जागृति जो प्रोग्राम है आपका जयपुर में चला रहे हैं, तो आने वाले कुछ समय में क्या ऐसा राजस्थान के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों को देखने को मिलेगा कि आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं और कुछ अपने प्रोग्राम ला रहे हैं आप? यस। हम यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड 2 से 3 इवेंट करते हैं, एंड दिस ईयर हमारा जो रिसेंट इवेंट है दिवाली पे है। बिफोर उसके पहले हमारा इवेंट था, तो कैलाश खेर जी आए थे, स्पॉन्सर्ड ही हेल्ड अस। दिस ईयर नीति मोहन इज कमिंग ऑन दिवाली, एंड वी एक्सपेक्टिंग सम वेरी गेस्ट, एंड जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो मेयर हैं, दे विल बी अटेंडिंग दिस इवेंट। एंड हम टारगेट करते हैं कि हर साल हम 25 से 30 हजार से 40 हजार का डोनेशन इकट्ठा करते हैं, एंड वो डोनेशन देन वी स्प्रेड टू राजस्थान में, कहा हमको जहाँ हम स्पेशली एजुकेशन में हेल्प कर सकें जी, एंड जो स्कूल में हम अगर एजुकेशन मटेरियल है, सप्लाईज है, फैसिलिटीज है, वो सप्लाई कर सकते हैं। राजेश जी, आप सीधा अगर अर्थ निकालने जाऊं तो ये कि अभी भी आपकी अपनी मिट्टी के लिए आप लोग जो है NRI और जो इंडियंस है मिल करके एक अच्छा काम करना चाहते हैं। यस सर, दिस इज व्हाई दे वी ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल द राजस्थानी कम्युनिटी इन राजस्थानी फाउंडेशन। यहाँ पर 8 से 10 ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप है जो राजस्थानी कम्युनिटी से रिलेटेड है जी, एंड हम कोशिश करते हैं कि सभी को ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करें, एंड कैसे हम इंटीग्रेट करें कि किस तरह से अगर जो वेल टू डू है थोड़ा डोनेशन दे सकता है तो वो डोनेशन को हम राइट चैनल से राइट जगह पहुंचा सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आपसे बनता है मुझे पूछने को कि मतलब कि इसमें गवर्नमेंट की भी कुछ मदद मिलती है आपको? गवर्नमेंट की, यूके गवर्नमेंट विल नॉट हेल्प यू, बट इफ समबडी इज इन यूके जो टैक्स पेयर है, और अगर वो डोनेशन देता है तो थोड़ा सा हमको एक गिफ्ट एड करके एलिमेंट मिलता है कि उसका जो टैक्स उसने पे किया वो वापस रिफंड हो जाता है जी। सो दैट्स अ लिटिल हेल्प वी कैन हैव, वी गेट इट फ्रॉम, बट डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट हेल्प होती नहीं है जी। और इनफैक्ट इट इज इंडिपेंडेंट, इवन इट्स अ कम्युनिटी एज वेल, हम यहाँ पर एज अ राजस्थानी कम्युनिटी भी चलाते हैं। उसी तरह से मेरा एक प्रश्न आपसे बनेगा कि जिस तरह से आपको यूके में आपको देखने को मिल रहा है, क्या हिंदुस्तान में भी, राजस्थान में स्पेशली, कोई राजस्थानी सरकार की तरफ से या फिर भारत सरकार की तरफ से आपको किसी भी प्रकार का अप्रोच कुछ मिलता है उसके अंदर?
सर हमने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि वी इंडिपेंडेंटली वर्किंग विद इन अ कम्युनिटी टू कलेक्ट जो भी वेल टू डू है, वेदर इज राजस्थानी और नॉन राजस्थानी। हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर है वो नॉन राजस्थानी भी है। जो हमारे राजस्थानी स्पॉन्सर है, सपोर्टर है, वेदांता ग्रुप इज आवर बिगेस्ट सपोर्टर। अनिल जी अग्रवाल जी हमारे बहुत बड़े सपोर्टर है एंड एवरी ईयर ही हेल्प। तो यहाँ पर जो भी वेल टू डू राजस्थानी है वो तो हेल्प कर ही रहे, नॉन राजस्थानी भी हेल्प कर रहे हैं। सो वी नेवर अप्रोच द गवर्नमेंट थ्रू दैट। देयर माइट बी टाइम फ्यूचर में कि कुछ एलिमेंट है जिसके लिए शायद हमको गवर्नमेंट से आगे बढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इन डिसेबल एंड फिजिकल डिसेबल्ड के लिए इक्विपमेंट सप्लाई करना या कुछ ट्रेनिंग सेशन है जो यूके में वी कैन गेट अ बेटर फैसिलिटी। यहाँ पर एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते एक समाज सेवा में, और वो भी खासकर हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बीच में सामंजस्य किस तरह से आप स्थापित कर पाते हैं? गुड क्वेश्चन सर। दिस इज एज आई सेड, एक थोड़ा सा बॉन्डिंग है, कहीं कहीं हर कम्युनिटी में एक बॉन्डिंग तो रहता ही है जी। तो जब हम कॉन्टेक्ट करते हैं, हम बात करते हैं, हमारे प्रोफेशनल कैरियर में हमको जब कोई मिलता है कि ओ ही फ्रॉम राजस्थान, उनका थोड़ा सा कोई कनेक्शन, तो वी ऑलवेज इनवाइट देम कि व्हाई कैन यू कम एंड हेल्प अस एंड व्हाई कैन यू जॉइन अस। अगर आप फाइनेंशियली हेल्प नहीं करना चाहते हैं तो वी एज अ कम्युनिटी यू कैन कम एंड देन दैट्स हाउ वी गेट दोस पीपल। जो जो हमारी कम्युनिटी है उसमें हम उनको इन्वॉल्व करते हैं एंड देन वी सेलिब्रेट। हम दो तीन फंक्शंस वो करते हैं कि हाउ वी कैन हेल्प देम एंड हाउ वी कैन सेलिब्रेट आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज, आवर हेरिटेज जी। अराउंड 1000 मेंबर्स जी वी अप्रोचिंग टू करीना और इट्स कीप इंक्रीजिंग जी। राजेश जी, एक प्रश्न इस पे ये बनता है कि जो आप काम करते हैं, जैसा कि बताया कि आपने प्रोफेशनल से ज्यादा आप लोग ध्यान देते हैं कि लोगों का भला हो और चैरिटी समाज में फैले, कितनी संतुष्टता आप अपने आत्मा को दे पाते हैं कि मतलब कि भाई मैं बहुत संतुष्ट हूँ इस काम से? सर आई हैव स्टडीड इन अ स्मॉल विलेज कॉल्ड केओटी कोट इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जी। वहाँ आई स्टडीड अप टू 12 इयर्स, सो आई नो कि वो डिफिकल्टीज वी फेस। जब हमने एक छोटी सी स्कूल से मैं निकला था, 500 घर का छोटा सा गांव का, तो आई रियलाइज दैट इट्स अ ब्लेसिंग कि व्हाटएवर स्टेज आई एम टुडे एंड इफ आई कैन कंट्रीब्यूट, इफ ऑल ऑफ द पीपल हियर दे हैव गॉट देयर स्टोरीज बैक होम, कोई स्ट्रगल करके आया, कितनी मेहनत करके आया, बट इफ दे कैन मेक द लाइफ इजी फॉर द अदर पीपल सम हाउ, आई थिंक यू फील बिट ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हाँ लाइफ में सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, और जिनको करने की इच्छा है, जिनके पास दो पैसे हैं जी, वो हेल्प भी करते हैं जी। जैसा कि आप सुन सकते हैं, हम बात कर रहे थे राजेश चेचानी जी से। राजेश चेचानी जी जो है निदेशक हैं द राजस्थानी फाउंडेशन में, और हम आपको पूरी तरह से बात जो करवा रहे हैं वो यूनाइटेड किंगडम से बात कर रहे हैं राजेश चेचानी जी। राजेश चेचानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपके राजस्थानी फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से, और इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए ताकि राजस्थानियों का, विशेषकर हिंदुस्तानियों का इसके अंदर भला हो। सर हमारा थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारी पूरी टीम काम करती है यहाँ पर, हमारे अभी 5 डायरेक्टर है, सुमित अग्रवाल, दिनेश चौधरी, शैलजा अग्रवाल, वर्षा डहाट और एक में राजेश चेचानी, तो 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देन ट्रस्टी भी हैं, और ये सभी लोग काम करते हैं। कोई ट्रैवलिंग या कोई एडमिन कॉस्ट कुछ भी नहीं है, 0 एडमिन कॉस्ट, सब अपना टाइम, अपने जो पर्सनल खर्चे होते हैं वो भी जेब से देते हैं। राजेश जी, पूरी टीम को जिस तरह से न्यूज फर्स्ट जो है वो पूरी टीम को बधाई देना चाहेगा, क्योंकि आपकी सोच जो है वो समाज के लिए है, समाज के भले के लिए है। तो एक बार पुनः मैं सारी आपकी पूरी टीम को ही बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से आप लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं। द राजस्थानी फाउंडेशन को हमारी और चैनल की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामना आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।